उदाहरण ग्यारह तीन हजार चार सौ बावन और नौ हजार नौ सौ निन्यानवे का गुणनफल एक न्यूनेन पूर्वेन सूत्र की मदद से ज्ञात करना है यहां पर भी देखते हैं हम लोग दोनों संख्याओं में अंकों अंक बराबर हैं यहां पर भी जो बाया पक्ष होगा वो तीन हजार चार सौ बावन का एक न्यूनेन तीन हजार चार सौ इक्कावन हुआ और दाया पक्ष नौ हजार नौ सौ निन्यानवे में से तीन हजार चार सौ इक्कावन को घटाने पर मिली संख्या जो कि 6548 है यह उसका दाया पक्ष हुआ तो 6548 इस प्रकार दो दिए गई संख्याओं का गुणनफल आठ अंकों की संख्या तीन करोड़ पैंतालीस लाख सोलह हजार पांच सौ अड़तालीस हुआ